आएगा हिसाब से मैं हूँ कार्तिक, आप देख रहे हो ऑलराउंडर के त्रिवेदी। तो यार जहाँ सामने किया सेल्टॉस देख रहे हो, ये बताओ कि ये कंपनी से आई है या फिर इसको मॉडिफाई करा गया है, कमेंट करके बता देना। तो मैं बताता हूँ, ये कंपनी से आई है। आप जानते हो किया को मतलब 1 साल के करीबन हो गए इंडिया में, तो मतलब 1 साल हो चुकी है। तो किया एक नया सेल्टॉस में नई चेंज लाई है, जो कि एनिवर्सरी पैकेज कर सकते हैं, एनिवर्सरी एडिशन जो कि किया सेल्टॉस में लाई है। तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि उस एडिशन में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे अपने को नॉर्मल किया सेल्टॉस के कंपेरिजन में। चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई मैं कलर ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। तो कलर्स जो हैं HTX, मैं GT लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, HTX वेरियंट के लिए बात कर रहा हूँ बस। तो इसमें एडिशन मिलेगा एक एनिवर्सरी एडिशन नाम से। तो इसमें 4 कलर अपने को मिलेंगे, जो क्या ग्रेविटी ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, एक और स्टील सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। ये 2 नए कलर्स आए हैं जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। ये था पहला चेंज। अब सेकंड चेंज की बात करते हैं। तो किया सेल्टॉस जो फ्रंट प्रोफाइल है, तो फ्रंट प्रोफाइल में जहाँ पे अपने को आइस क्यूब फॉग लैंप्स मिलते हैं ना, उसके सराउंडेड एक रेड कलर की लाइन मिलेगी, रेड कलर की एक स्ट्रिप टाइप की मिलेगी, जो कि सामने से देखने में गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनाती है। और जो अपने को जो डिज़ाइन मिलती रही बम्पर पे स्किड प्लेट, तो उसके सराउंडेड और नंबर प्लेट से जॉइंट रहेगी एक पियानो ब्लैक फिनिश की लाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही स्पोर्टी लुक देती है गाड़ी को। चलो फ्रंट प्रोफाइल की इतने ही चेंज है, अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। साइड प्रोफाइल में अपन जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे अपने को 2 चेंज देखने मिलेंगे। एक तो इसके टायर्स में, तो भाई टायर्स जो है ना इसके सेम टू सेम वैसे करें जैसे मारुति की नेक्सा की गाड़ी में आते हैं, जैसे इग्निस XL6, तो जैसे ब्लैक कलर में आते हैं ना पियानो ब्लैक कलर में, इस टाइप के टायर अपने को मिलते हैं। और आप जानती हो जी GT लाइन के जैसे टायर्स मिलते हैं उस टाइप की डिज़ाइन नहीं मिलती है। 17 इंचेस की टायर मिलेंगी 5 स्पोक, और ये पूरे ब्लैक रहेंगे। और जो इसकी सेंटर कैप रहती है ना जहाँ पे किया लिखा रहता है, वो रेड कलर की रहेगी, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक रहेगा। अब एक और चीज़ है, जैसे कि अगर अपन किया सेल्टॉस का GT लाइन का कोई वेरिएंट खरीदते हैं तो डोर के नीचे साइड में अपने को एक रेड कलर की लाइन देखने मिलती है। तो उसमें अपने को ऐसा कोई HTX में नहीं मिलता है, पर इसमें एक नई चीज़ रहेगी एनिवर्सरी एडिशन में कि अपने को एक क्रोम की पूरी लाइन देंगे, पट्टी समझ लो, मतलब क्रोम की पूरी स्ट्रिप रहेगी, एंडिंग में लिखा रहेगा सेल्टॉस और ब्लैक कलर में रहेगा और सेल्टॉस क्रोम उसमें रहेगा। और जो चेंज रहेगा सेल्टॉस लिखा रहेगा, थोड़ी आगे से रेड कलर के बॉक्सेस रहेंगे जो कि साइड से देखने में भी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक देंगे। अब एक और बताता हूँ आपको मैं रियर साइड का। तो अब रियर साइड की बात करें तो रियर साइड में सेल्टॉस में सबसे पहला चेंज जो आपको देखने मिलेगा वो इसकी डुअल मफलर डिज़ाइन में। तो आप जानती होगे कि GT लाइन या HT लाइन में जब से डुअल मफलर डिज़ाइन आती है मिड वेरिएंट से, तो उसमें अपने को पूरी एक स्ट्रिप मिलती है, पर अब इसमें चेंज करके रेड कलर की कर दी, वो सिल्वर कलर की मिलती थी और इसमें रेड कलर की कर दी है। तो ये है ना जो मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे डुअल मफलर है, उसमें जो लाइन कनेक्ट रहती रही ना, वो लाइन को हटा के रेड कलर में इसको उतना सही रह दिया है, क्योंकि देखने में बहुत ही सही स्पोर्टी लगता है। अब जो पीछे एक स्किड प्लेट मिलती है, आप लोग जानते होंगे बम्पर पे, तो उसके ऊपर नॉर्मल एनिवर्सरी एडिशन नहीं, तो इसमें पूरा ब्लैक कलर का बम्पर मिलता है, पर एनिवर्सरी एडिशन में स्किड प्लेट के ठीक ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश की लाइनिंग मिलती है, जो कि मतलब फ्रंट बम्पर पे भी सेम टू सेम थी। तो ये 2 चेंज नहीं है, एक चेंज और है। तो आप जानते होगे किया सेल्टॉस जब लॉन्च हुई थी तो वो BS6 इंजन में लॉन्च हुई थी, पर वहाँ पे BS6 इंजन का अपने को लोगो भी मतलब स्टिकर देखने को मिलता था, पर वहाँ पे वो स्टिकर को चेंज कर दिया है और वहाँ पे फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन करके स्टिकर लगाता है, जो कि रेड कलर में है और रेड और सिल्वर कलर में, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और पीछे से बहुत बढ़िया लुक देता है। अब भाई एक बात और बताता हूँ, सिर्फ फीचर्स में चेंज मतलब सिर्फ डिज़ाइन में चेंज नहीं है, थोड़े बहुत फीचर्स जो हैं उसमें भी चेंज रहेगा, और इस एक्सटीरियर और उसमें क्या क्या वो है, और कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं उसमें बताता हूँ, वो आपको बताऊँगा। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस ये भी चेंज है, ट्रिम लेवल्स जो रहते हैं सेल्टॉस के वो भी थोड़े से 2 नए वो आए हैं, और ये चेंज है। तो चलो मैं इस चेंज के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं फ़ीचर्स बताऊँगा। तो पहला फ़ीचर है स्मार्ट रिमोट इंजन स्टार्ट, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए रहता है, मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन में भी
स्किट प्लेट विद सिल्वर फिन्स। और ये मतलब वही समझ गए ना कैसा है, स्किट प्लेट जो है सिल्वर फिन्स के साथ रहेंगी। थर्ड टेंगनिस फॉग लैम्प बेजिल। फोर्थ साइड स्लाई टेंगल एंड स्टील लोगो, मतलब वही साइड की लाइन सेल्टोस का जो लोगो रहता है उसके साथ। और फिफ्थ है R17 ब्लैक एलॉयल व्हील्स जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और सिक्स्थ है सेंटर व्हील कैप जो है उसको भी रेड कलर में कर दी है। सेवन्थ है ब्लैक स्किट प्लेट विथ फिन्स। और एट्थ है डुअल मफलर डिज़ाइन रेड कलर में जो रहती है। और नाइन्थ चेंज है एनिवर्सरी एडिशन स्टिकर जैसे मैंने बताया था आपको। टेंथ है डुअल टोन कलर्स, अब मैं जैसे बताया था ना आपको स्टील सिल्वर और ब्लैक, वैसे ये कलर्स में भी ऐसी चेंज है। तो ये डुअल टोन कलर्स ये अभी अपने को HT लाइन में भी मिलने लगेंगे, मतलब HTS में भी मिलने लगेंगे, पहले सिर्फ GT लाइन में मिलते रहे अब। और इसके बाद 11th है ब्लैक लेदर सीट्स जो कि पहले सेमी लेदर मिलती थी अब ब्लैक मिलेंगी। ब्लैक वन टच क्रैश पेडल्स, ब्लैक वन टोन डोर ट्रिम्स। तो ये है भाई 13 नई नई चीज़ें। इसके बाद आप HTX नॉर्मल जो रहता है और HTX एनिवर्सरी एडिशन साइड से आप देख सकते हो क्या क्या चेंजेस रहते हैं। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस बताता हूँ यानी FAQs। तो पहला क्वेश्चन, टिल व्हेन विल HTX एनिवर्सरी एडिशन विल सोल्ड, तो उसका आप आंसर देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। और दूसरा पूछा है इस बूट स्पेस इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन लेंथ, तो इसका भी आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब मैं आपको इंजन के बारे में बताता हूँ। तो इंजन से आप देख सकते हो स्मार्ट स्ट्रीम G1.5 मिलता है जो कि पावर 115 PS की निकालता है 6300 RPM पे, और टॉर्क 144 Nm का निकालता है 4500 RPM पर। ये 6-speed मैनुअल और IVT ट्रांसमिशन के साथ अपने को मिलेगा। और भाई इसमें दोनों में 16.5 से 16.8 KMPL का माइलेज निकालता है। दूसरा है 1.5 लीटर का CRDI इंजन जो कि 6-speed मैनुअल में मिलता है, इसमें भी सेम 1.15 PS की पावर देता है, मतलब 115 PS की 250 Nm का टॉर्क देता है और 21 KMPL के माइलेज निकालता है। तो और यहाँ साइड में डायमीटर्स दिए हुए हैं, डायमेंशंस समझ सकते हैं आप, डायमेंशंस हैं, थोड़ी बहुत लेंथ बढ़ाई गई है। आपको सेल्टोस ट्रिम लेवल बताता हूँ। तो आप पूरी स्क्रीन पर देख सकते हो ट्रिम लेवल्स पर दो नए आए हैं इंजन के हिसाब से बताया गया है। तो एक स्मार्ट स्ट्रीम G1.5 आता है जिसमें HTE AE करके बेचा है, HTX AE मतलब एनिवर्सरी। और 1.5 लीटर CRDI इंजन में HTX AE मतलब एनिवर्सरी एडिशन करके लेबल कर रहा है इसमें। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी जो कि इसमें ऐड करी हैं। तो यही था वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं किया कि वेबसाइट से निकालूँगा। और तो ठीक है भाई, मिलते अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय।